हाय गाइस माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू कैंपस एक्स इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हो ट्रांसफर लर्निंग विच इज़ बेसिकली अ टेक्निक दैट इज़ यूज इन मशीन लर्निंग जहाँ पर आप एक डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करके अपने मॉडल को किसी दूसरे डेटा सेट के ऊपर रन करते हो और ये एक ऐसा मेथड uh, है जो पिछले पाँच छः सालों में बहुत फेमस हुआ है और आज की डेट में जो सबसे बड़ी पर्सनालिटीज़ है डीप लर्निंग में उनका कहना है कि ट्रांसफ़र लर्निंग विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग सो दैट इज़ बाई आपके लिए ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है तो वीडियो में मैं पहले कॉन्सेप्चुअली थियोरेटिकली सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद इन द से हाफ ऑफ द वीडियो मैं आपको केराज में ट्रांसफ़र लर्निंग करके दिखाऊँगा ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ट्रांसफ़र लर्निंग स्टार्ट करने के पहले लेट्स डिस्कस की एक डीप लर्निंग मॉडल को अगर आप स्क्रैच से ट्रेन करने जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ इस प्लेलिस्ट में कि डीप लर्निंग मॉडल्स आर डेटा हंग्री विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपको अपना खुद का डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है तो यू नीड अ लॉट ऑफ लेबल्ड डेटा विच इज कॉस्टली अगर आपको एक कैट डॉग क्लासीफायर बनाना है तो यू नीड लॉट्स ऑफ इमेज लेट्स दस हज़ार इमेजस अब ये इमेज तो आप गूगल से स्क्रेप करके उठा लोगे बट आपको हर इमेज के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी देना होगा कि कौन से इमेज में कैट है और कौन से इमेज डॉग है अब ये लेबलिंग करना इज डिफिकल्ट एंड यू नीड मैनुअल लेबर राइट एंड दिस इज कॉस्टली इसके लिए कंपनीज को पैसे देने पड़ते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है अपना खुद का डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करने में वो ये है कि आपको खूब सारा डेटा चाहिए अगर वो डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो उसको बनाने में आपको टाइम एंड एफर्ट जाएगा ठीक है प्रॉब्लम नंबर टू कि डीप लर्निंग मॉडल्स स्पेशली इफ यू आर ट्रेनिंग योर मॉडल ऑन अ बिग डेटा सेट इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट ट्रेनड मॉडल को ट्रेन होने में बहुत टाइम लगता है इट कुड बी डेज और वीक्स एंड इन सर्टन केसेज मंथ्स भी लग सकते हैं अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है तो दिस इज द सेकेंड डिसएडवाटेज इन दोनों की वजह से जनरली लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं अपना खुद का डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करना ठीक है सो so, अगर खुद का डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करना डिफ़िकल्ट है तो वॉट इज़ द सोल्यूशन द सोल्यूशन इज़ यूजिंग प्री ट्रेन मॉडल्स अगर आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे प्री ट्रेन मॉडल्स इन सी एन एन जहाँ पर मैंने आपको इमेजनेट डेटा सेट के बारे में बताया था जो कि एक बहुत बड़ा डेटा सेट है इमेजेस का डेटा सेट अबाउट डेली ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स इस डेटा सेट में अराउंड 1.4 मिलियन इमेजेस हैं ऑफ़ अराउंड थाउजेंड क्लासेस क्लासेस लाइक चेयर ब्रेड डिफरेंट डॉग ब्रीड्स इस तरह का एक डेटा सेट है इमेजनेट और इसके ऊपर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था आई ठीक है इमेजनेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज जो अराउंड 2010 में शुरू हुआ था और मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे 2012 ऑनवर्ड्स हर साल ये कंपटीशन कोई ना कोई डीप लर्निंग मॉडल ही जीतता है तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये जो मॉडल्स आए और इस कंपटीशन को जीते लाइक like वी और रेजनेट और इंसेप्शन नेट ये जो सारे मॉडल्स हैं ये इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे से ट्रेंड है इस डेटा के ऊपर कि आप इनको उठा करके अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो एंड दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्री मॉडल्स सो प्री ट्रेन मॉडल एक ऐसा सी मॉडल है जो किसी दूसरे डेटा के ऊपर ट्रेंड है ठीक है एंड दैट डेटा सेट इज लार्ज इनफ टू हैव ऑल द कैटेगरीज ना वॉट यू कैन डू इज यू कैन हैव दैट डेटा सेट ऑन योर डेटा आप अपने प्रोजेक्ट में उस सेम डेटा सेट को यूज कर सकते हो बिकॉज वो ऑलरेडी सीख चुका है एक प्रीवियस बड़े डेटा सेट से ठीक है तो ये पूरी चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर की थी दिस इज द समरी ऑफ दिस वीडियो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार जाके आप इसको जरूर देखो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ आप प्लीज़ इसको एक बार देखो तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि प्री मॉडल्स क्या होते हैं और उनका काम क्या है ठीक है अब लास्ट वीडियो में हमने जो कोड लिखा था उसमें हमने कैट हमने एक जेनेरिक क्लासिफायर बनाया था जो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर पा रहा था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली वहाँ पे मैंने एक चेयर को क्लासीफाई करवाया था ब्रेड को क्लासीफाई करवाया था डॉग को क्लासीफाई करवाया था टोमेटो को क्लासीफाई करवाया था तो दीज आर लाइक जनरल ऑब्जेक्ट्स तो प्री ट्रेन मॉडल्स में भी एक प्रॉब्लम आ सकती है और वो प्रॉब्लम ये है कि वॉट इफ़ आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो आपका प्री ट्रेंड मॉडल उस क्लास को जानता ही नहीं है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ लेट्स से आप बहुत स्पेसिफिकली फ़ोन वर्सेस टैबलेट क्लासिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हो ठीक है आपका काम है आपको एक इमेज देख के बताना है कि उसके अंदर फ़ोन है या फिर टैबलेट है और आपने डिसाइड किया कि आप वी जी जी नेट को यूज़ करोगे एज अ प्री मॉडल जो इमेज नेट डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड है अब वॉट इफ इमेज नेट डेटा सेट में ये जो थाउजेंड क्लासेज हैं इनमें फ़ोन और टैबलेट दोनों ही नहीं है। नाउ दैट इज़ एन इशू अभी तक हम जो भी चीज़ें क्लासिफाई करवा रहे थे वो इस थाउजेंड क्लास में आता था एंड दैट इज़ बाय हमें रिजल्ट्स मिल रहे थे बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे आपके पास वही क्लासेस होंगी जो इन थाउजेंड क्लासेस के अंदर हो नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आता है ट्रांसफर लर्निंग जो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है ठीक है तो गोइंग फॉरवर्ड वॉट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न कि ट्रांसफर लर्निंग होता क्या है और फिर हम उसे कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग केरास सो सबसे पहले मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रांसफ़र लर्निंग होता क्या है ये जो डेफिनेशन है ये मैंने विकीपीडिया से उठाया है एक बार इसको पढ़ते हैं ट्रांसफर लर्निंग इज अ रिसर्च प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग दैट फोकसेज ऑन स्टोरिंग नॉलेज गेंड वाइल सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एंड अप्लाइंग इट टू अ डिफरेंट बट रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक है सिंपल सही डेफिनेशन है बट मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ so, सो जैसा मैंने आपको भी बताया कि आप क्या करते हो प्री ट्रेन मॉडल्स में किसी और डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड हुए सी एन एन को अपने डेटा सेट के ऊपर ट्राई आउट करते हो और आप ऐसा इसलिए करते हो बिकॉज़ दो फायदे हैं पहला आपको खुद का बड़ा डेटा सेट नहीं चाहिए जो कि कॉस्टली और दूसरा टाइम बचता है तो ट्रांसफ़र लर्निंग वही चीज़ हमें करके देता है ठीक है और 2015-16 के बाद से ट्रांसफ़र लर्निंग हैज़ एक्चुअली बिकम अ बिग डील इन मशीन लर्निंग स्पेस इनफैक्ट ये चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एंड्रयू एनजी ने बोला कि सुपरवाइज लर्निंग को अगर हटा दो तो सेकेंड नंबर पे ट्रांसफर लर्निंग ही वो चीज़ है जो मशीन लर्निंग को आगे लेके जाएगी इंडस्ट्री में ठीक है यू कैन सी द चार्ट इवन बेटर देन अनसुपरवाइज लर्निंग एंड री लर्निंग ठीक है अब ऐसा इसलिए सेंटिमेंट बन रहा है इंडस्ट्री में बिकॉज ट्रांसफर लर्निंग आपके प्रॉब्लम को बहुत ईजीली सॉल्व कर देता है ठीक है सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट ट्रांसफ़र लर्निंग में आप कर क्या रहे हो आप किसी दूसरे डेटा सेट पर जो सीखा है आपने वो आप अपने डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करवा रहे हो अब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सेम काम हम रियल लाइफ में भी करते हैं इसका मतलब ये है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र लर्निंग इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ आई एल गिव यू सम एग्जांपल्स सो आप को क्यों ऐसा बोला जाता है कि मोटरसाइकिल चलाने के पहले आपको साइकिल चलाना आना चाहिए बिकॉज वॉट यू डू इज इफेक्टिवली आपका दिमाग क्या कर रहा है कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो आपके दिमाग में कुछ लर्निंग होती है ठीक है कुछ नॉलेज बनता है अब मोटरसाइकिल चलाना जो है वो एक सेपरेट टास्क है बट इट इज़ अ रिलेटेड टास्क आपको दोनों में बैलेंसिंग चाहिए तो अगर आपने बाईसाइकिल चलाना सीख रखा है तो मोटरसाइकिल चलाना थोड़ा इजी हो जाएगा बिकॉज आपका दिमाग वो जो नॉलेज उसने बाईसाइकिल चलाने में सीखा था उसको यूज़ करेगा मोटरसाइकिल चलाने में सिमिलरली लेट्स से आप ए, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हो लेट्स से वॉलिन और समथिंग तो आप एक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट फिर से अच्छे से बजा पाओगे लेट्स से गिटार वाई बिकॉज आपको म्यूजिकल नोट्स का अंडरस्टैंडिंग है तो आप पूरे टाइम ये करते हो कि किसी एक डोमेन का नॉलेज को आप किसी दूसरे डोमेन के ऊपर अप्लाई करते हो कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों ने इस सिंपल आइडिया को डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में इंटीग्रेट कर दिया और इसी को बोला जाता है ट्रांसफर लर्निंग ठीक है अब नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली exactly कैसे काम करता है ट्रांसफ़र लर्निंग वॉट इज़ वर्किंग अंडर द हुड सो ट्रांसफ़र लर्निंग कैसे काम करता है ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मान लो हमें कैट डॉग क्लासिफिकेशन करना है और ये क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग एक प्री ट्रेन मॉडल यूज़ करेंगे वी जी जी सिक्सटीन जो कि एक बहुत फेमस प्री ट्रेन मॉडल है अब इस मॉडल का आर्किटेक्चर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है यू कैन क्लियरली सी इस मॉडल में देर आर टू पार्ट्स सो वन पार्ट इज दिस जिसको हम कॉन्वल्यूशन लेयर वाला पार्ट बोलते हैं या इसको कई बार कॉन्वल्यूशन बेस भी बोला जाता है और फिर देर इज़ अ सेकेंड पार्ट जहाँ पे आपके फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं और आपका आउटपुट लेयर है इसको हम एफ सी लेयर्स बोलते हैं या एफ सी पार्ट बोलते हैं सो so, ये वाला जो पार्ट होता है ना कॉन्वल्यूशन बेस्ड जो होता है इसका काम होता है इमेज के अंदर से एंड ऑब्वियसली वी आर डूइंग इमेज क्लासिफिकेशन टास्क इमेज के अंदर से स्पेशल इंफॉर्मेशन निकालना ठीक है सो इमेज इज बेसिकली अ टू डी मेट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स ठीक है तो इन पिक्सल्स का टू में क्या रिलेशनशिप है ये कैप्चर करता है हमारा कॉन्वल्यूशनल बेस और ये जो फुली कनेक्टेड पार्ट है इसका काम होता है क्लासिफिकेशन करना सो so, ये जो मॉडल है वी जी जी सिक्सटीन दिस इज ट्रेंड ऑन इमेज नेट डेटा सेट जिस देर आर थाउजेंड क्लासेस सो बेसिकली ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर सीखा हुआ है एंड यू कैन सी है कि आउटपुट में देर आर थाउजेंड नोट्स सॉफ्ट मैक्स लगा हुआ है ठीक है अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये कैट और डॉग इन थाउजेंड क्लासेस में नहीं है तो हम ट्रांसफर लर्निंग कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्कस करते हैं सो वॉट यू विल डू इज़ कि आप इस जगह से इस सी को ब्रेक कर देते हो ठीक है इतने पार्ट को आप रख लेते हो कॉन्वल्यूशनल बेस को और इतने पार्ट को आप हटा देते हो ठीक है देन वट यू डू इज ये रहा आपका कॉन्वल्यूशन बेस अब इसके ऊपर आप अपना खुद का डेंस लेयर या एफ सी लेर लगा देते हो अपने हिसाब से जैसे यहां पे तीन डेंस लेयर थे आप कितने भी लगा सकते हो और हर डेंस लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे वो भी आप डिसाइड करते हो एंड फाइनली यू पुट अ आउटपुट लेयर विथ वन न्यूरॉन बिकॉज अब हम जो कर रहे हैं वो एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और वहाँ पे आप सिग्मोइड लगा देते हो ऑल्सो वॉट यू डू इज आप ये जो convolution लेयर होता है convolution बेस होता है इसको आप फ्रीज़ कर देते हो फ्रीज़ करने का मतलब है कि जब आप दोबारा से इस पूरे नेटवर्क को ट्रेन करोगे तो सिर्फ इतना पार्ट ट्रेन होगा इतना पार्ट ट्रेन नहीं होगा एंड देन यू ट्रेन द मॉडल ऑन वाट एवर डेटा यू हैव मान लो आपके पास थोड़ा सा भी डेटा है सौ सौ इमेजेस भी हैं तो भी आप क्या करते हो अपने उस छोटे से डेटा पे ट्रेन करते हो इस मॉडल को ये वाला पार्ट ट्रेन नहीं होता है ये वाला पार्ट ट्रेन होता है एंड दैट्स इट दैट इज़ वॉट ट्रांसफर लर्निंग इज सो वॉट यू आर एसेंशियली डूइंग इज ये जो ऑलरेडी सीखा हुआ था इतना पार्ट में जो भी सीखा हुआ था इमेजनेट के ऊपर आप उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हो और अपने टास्क में उसको अप्लाई कर रहे हो ठीक है तो दिस इज़ द मेन आइडिया दिस इज़ हाउ ट्रांसफर लर्निंग वर्क्स ठीक है अब मैं नेक्स्ट आपको समझाता हूँ कि ये जो चीज़ आपने अभी सीखी ये काम क्यों करती है सो लेट मी एक्सप्लेन ट्रांसफ़र लर्निंग क्यों काम करता है उसके लिए एक बार पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं अभी हमने जो पढ़ा कि ट्रांसफ़र लर्निंग कैसे काम करता है सो वॉट यू डू इज़ कि आप एक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे होते हो लेट्स से आपने कैट डॉग क्लासीफिकेशन करना है और उसके लिए आपने वी जी जी सिक्सटीन मॉडल चूज़ किया जो कि पहले से इमेज नेट डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड है सो so, आप क्या करते हो कि आप ये जो डेंस वाला जो पार्ट है डेंस लेयर वाला पार्ट इसको रिमूव कर देते हो ठीक है और इसको रिप्लेस कर देते हो आप अपने डेंस लेयर से जिसमें आप कितने भी लेयर्स ऐड कर सकते हो कितने भी न्यूरॉन्स ऐड कर देते हो एंड लास्ट में देर इज़ अ सिंगल न्यूरॉन, विच इज़ योर आउटपुट लेयर बिकॉज यू आर गोइंग टू डू बाइनरी क्लासिफिकेशन और आप इस तरीके से अटैच कर देते हो ऑल्सो आप क्या करते हो कि आप इस कॉन्वोल्यूशनल बेस लेयर को फ्रीज कर देते हो सो so दैट यहाँ पे जो वेट्स का वैल्यू है वो चेंज ना हो बिकॉज वेड्स के वैल्यू में ही ट्रू नॉलेज छुपा हुआ है जो इस वी जी जी सिक्सटीन ने सीखा था वाइल गेटिंग ट्रेंड ऑन इमेज नेट ठीक है और आप फिर से अपने छोटे से डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करते हो इस पूरे आर्किटेक्चर को आ, ये वाला पार्ट में कुछ चेंजेस नहीं आते और यहाँ पे आप वेट्स लर्न करते हो एंड दैट इज़ हाउ ट्रांसफर लर्निंग वर्कस ठीक है अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्निक क्यों काम कर पा रहा है क्यों रिजल्ट दे पा रहा है द आंसर इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू रिमेंबर हमने सी की शुरुआत में ही ये डिस्कशन किया था कि आप इतने सारे जो कॉन्वोल्यूशन लेयर्स लगाते हो तो इन कॉन्वोल्यूशन लेयर्स का काम है इमेज को डी करना और एक तरीके से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना कि फ़ीचर में है क्या और फिर आगे वाले जो लेयर्स हैं इनका काम होता है क्लासिफिकेशन करना अब इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जितने आपके अर्ली लेयर्स होते हैं शुरू वाले लेयर्स होते हैं उनका काम होता है प्रिमेटिव फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना लाइक like एजेस जैसे जैसे आप आगे के लेयर्स में जाते हो तो आप थोड़े और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हो जैसे कि शेप्स ठीक है और फिर धीरे धीरे आप इवेंचुअली फीचर्स बना करके आगे पास ऑन करते हो तो फंडा बहुत सिंपल है फंडा ये है कि इमेजनेट जो आपका डेटा सेट है इसमें अराउंड थाउजेंड क्लासेस से रिलेटेड डेटा है अब कुछ भी चीज़ आप उठा लो जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसके जो प्रिमिटिव फीचर्स होंगे ना वो सिमिलर ही होते हैं जनरल होते हैं ठीक है उनमें एजेस होंगे ही उनमें शेप्स होंगे ही दैट इज़ वाई हमने क्या डिसाइड किया कि ये जो शुरू में सीखी हुई चीज़ें हैं वो काइंड ऑफ कॉमन है सारे टास्क के लिए सारे इमेज क्लासिफिकेशन टास्क के लिए तो इनको दोबारा से सीखने की ज़रूरत नहीं है सो दैट इज़ वाई हमने ये पूरा का पूरा convolution बेस को एज़ इट इज़ यूज़ कर लिया और फिर इसके आगे जो स्पेसिफिक काम करना था क्लासिफिकेशन वाला वो हमने अपना काइंड ऑफ लेयर्स ऐड कर दिए और पूरे मॉडल को दोबारा से ट्रेन कर दिया तो दैट इज़ वाई ट्रांसफर लर्निंग वर्क्स बिकॉज जब आप पहली बार इस मॉडल को ट्रेन कर रहे हो ट्रेनिंग के प्रोसेस में ऑलरेडी जो प्रेमिटिव और जनरल फीचर्स हैं वो ये मॉडल सीख चुका है दोबारा वो काम करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो बेसिकली द होल फंडा बिहाइंड दिस एंटायर थिंग इज़ डू नॉट री इन्वेंट द व्हील बार बार पहिया मत बनाओ पहिया बन चुका है तो उससे गाड़ी बनाओ ठीक है आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया सो so नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई करने के कितने तरीके हैं। प्रिसाइसली दो तरीके हैं, ठीक है मैं आपको दोनों का नाम बताता हूँ पहला तरीके को बोलते हैं फीचर एक्स्ट्रैक्शन एंड द सेकेंड वन इज फाइन ट्यूनिंग अब ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन है ये एक्जैक्टली exactly वही है जो हमने अभी डिस्कस किया जहाँ पे आप लास्ट के डेंस लेयर्स को रिप्लेस कर देते हो अपने खुद के डेंस लेयर से कॉन्वोल्यूशनल बेस को आप फ्रीज कर देते हो और मॉडल को रीट्रेन करते हो अपने डेटा के ऊपर इसी को फीचर एक्सट्रैक्शन बोला जाता है ठीक है फीचर एक्सट्रैक्शन जनरली तब किया जाता है जब आप जिस इमेज क्लासिफिकेशन टास्क के ऊपर काम कर रहे हो उसके अंदर जो लेबल्स हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर हैं जिस डेटा पे आपका मॉडल ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है जैसे कि अगर आप डॉग कैट क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपको फीचर एक्सट्रैक्शन यूज़ करना चाहिए वाई बिकॉज इमेजनेट के अंदर ऑलरेडी एनिमल्स के ऊपर ट्रेनिंग हो चुकी है तो यू you नो know कि यहाँ तक के जो लेयर्स हैं वो एनिमल्स को या उनके फीचर्स को पहचाना सीख गए ठीक है तो आपको फिर जस्ट लास्ट के लेयर्स में ही चेंजेस करने की ज़रूरत है वेरह फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है कि फाइन ट्यूनिंग में आप लास्ट के कुछ कॉन्वल्यूशन लेयर्स को भी रीट्रेन करते हो यू डोंट फ्रीज देम सो आप यहाँ से ले कर यहाँ तक को फ्रीज़ कर देते हो बट लास्ट वाले लेयर्स को अनफ्रीज कर देते हो और आप डेंस लेयर अपना ऐड करते हो और फिर इस पूरे पार्ट को रिट्रेन करते हो इस पूरे पार्ट को रिट्रेन करते हो कब अप्लाई करना चाहिए फाइन ट्यूनिंग बहुत सिंपल है अगर आप एक ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो जो आपके डेटा सेट के क्लासिफिकेशन लेबल से बहुत अलग है लेट्स से मैं सडनली से आई एम ट्राइंग टू डू अ क्लासिफिकेशन बिटवीन फोन वर्सेस टैबलेट और थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इमेजनेट में दूर दूर तक इस तरह का कुछ भी डेटा नहीं था तो भले ही शुरू के जो लेयर्स हैं इनको मैं री कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत प्रेमेटिव फीचर्स हैं बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो फिर ये जो लेयर्स हैं इनका जो नॉलेज है वो मेरे रिक्वायरमेंट से थोड़ा अलग है तो दैट इज़ वाई वॉट आई वुड लाइक टू डू इज़ कि मैं आ, लास्ट के कुछ लेयर्स को अनफ्रीज कर दूंगा और मॉडल को पूरा का पूरा रीट्रेन करूंगा ऑब्वियसली इस केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बट यू वुड सी आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं ठीक है तो अब गोइंग फॉरवर्ड इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों ही चीज़ें करके दिखाऊँगा और आपको थोड़ा समझ में आएगा कि पूरी चीज़ काम कैसे कर रही है इन केरास सो गई केरास में ट्रांसफर लर्निंग यूज़ करना इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इजी टास्क बिकॉज प्री बिल्ट आपको सारे प्री ट्रेन मॉडल्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग वी जी जी सिक्सटीन सो मैं क्या करने वाला हूँ मैं सेम डॉग कैट क्लासीफायर बनाने वाला हूँ जो मैंने कुछ वीडियोज़ पहले बनाया था बट इस बार हम अपना खुद का सी एन एन आर्किटेक्चर ना यूज़ करके वी विल बी यूजिंग द वी जी जी सिक्सटीन मॉड्यूल ठीक है तो दिस इज़ द डेटा सेट जो हम यूज़ करने वाले हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है तो आई गिव यू अ वॉक थ्रू सो ये जो पहला चार सेल्स का जो कोड है इनफैक्ट पहले तीन सेल्स का जो कोड है इस पूरे कोड का काम सिर्फ इतना है कि ये कैगल से इस डेटा सेट को इम्पोर्ट करके हमें यहाँ ला के दे रहा है ठीक है यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास दो फोल्डर्स बन जाएंगे आई जस्ट रन दिस सेल डेटा सेट हमारे पास आ चुका है बट ये जिप फॉर्मेट में रन दिस कोड ये इस जिप को एक्सट्रैक्ट कर देगा और हमारे पास हमारा डेटा आ चुका होगा एंड यू कैन सी ट्रेन एंड टेस्ट ट्रेन के अंदर दो फोल्डर्स हैं कैट्स एंड डॉग्स टेस्ट के अंदर भी दो फोल्डर्स हैं कैट्स एंड डॉग्स और इनके अंदर हमारे इमेजेस हैं ठीक है थीके? तो अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ पूरी चीज सो so, ये आपको इम्पोर्ट करनी है लाइब्रेरी इसमें काफी चीजें आप पहले से कर चुके हो दिस इज काइंड ऑफ न्यू यहाँ पर आप केरास एप्लीकेशन में घुस के वी जी सिक्सटीन से वीजीसीन क्लास को इम्पोर्ट कर रहे हो नाउ वॉट यूर डूइंग इज आप वी जी सिक्सटीन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो अः जहां पर आपने वेट स्पेसिफाई कर रखा है इमेजनेट सो आपको वही वेट्स का वैल्यू चाहिए जो वीजीसीन का था जब वो इमेजनेट डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ ऑल्सो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर है कि आप बोल रहे हो इंक्लूड टॉप फॉल्स सो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे देखो कि ये टॉप साइड है टॉप साइड तो आप बोल रहे हो कि ये जो पूरा डेंस लेयर है तीन डेंस लेयर और एक आउटपुट लेयर है आप ये नहीं चाहते हो आप इसको हटा रहे हो और आप सिर्फ convolutional बेस जो है यहां तक आप बस इतना ही इम्पोर्ट कर रहे हो यू आर नॉट इम्पोर्टिंग दिस पार्ट जो आप ट्रांसफर लर्निंग में करते भी हो ठीक है uh, और लास्ट में आप इनपुट शेप बता रहे हो 150 153 आप कुछ भी बता सकते हो एंड यहाँ पर यू कैन सी जब मैं कॉर्न बेस का समरी निकाल रहा हूँ तो यू वुड सी द लास्ट लेयर इज़ एक्चुअली द पूलिंग लेयर एंड द सेकेंड लास्ट लेयर इज़ ब्लॉक फाइव कॉन्वल्यूशन थ्री ये वाला ठीक है हमने ये वाला पार्ट इम्पोर्ट ही नहीं किया आप चाहो तो कर सकते हो अगर आप यहाँ पे ट्रू कर दो आई होप यू गेट द आइडिया अब हम क्या कर रहे हैं हम हमारा खुद का एक सीक्वेंशियल मॉडल बना रहे हैं स्क्रैच से और उस मॉडल में हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं ये कॉन्वल्यूशन बेस बेसिकली यहाँ तक का सब कुछ हम हमारे नए मॉडल में ऐड कर रहे हैं उसके बाद हम उसे फ्लैटन कर रहे हैं और हम उसके बाद हमारा डेंस लेयर ऐड कर रहे हैं वी आर एडिंग टू डेंस लेयर्स वन विथ टू फिफ्टी सिक्स न्यूरोन्स एंड द सेकेंड वन विथ वन न्यूरोन विच इज आर आउटपुट लेयर बिकॉज एक्टिवेशन इज सिग्मोइड और उसके बाद मैंने समरी को जैसे ही रन किया तो दिस इज द समरी शुरू में आपके वी जी जी लेयर्स हैं सी है? इस पॉइंट पे दे रहा वन पॉइंट सिक्स करोड़ पैरामीटर्स आई गेस अब देखो यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है मैंने आपको बताया था कि अब जब आप रिट्रेन करोगे अपने डेटा के ऊपर तो आप पहले कॉन्वल्यूशन बेस वाला जो पूरा पार्ट है इसको फ्रीज कर देते हो फ्रीज करने का मतलब आप उनके वेट्स को रिट्रेन नहीं करते तो मैंने वही किया है यू कैन सी कॉन्फ़ बेस डॉट ट्रेनेबल का जो वैल्यू है वो मैंने फॉल्स कर दिया ठीक है और इतना करने के बाद लेट मी क्विकली शो इट टू यू यहां से सो so, ये मैंने कर लिया दिस इज द समरी दिस इज माई न्यू मॉडल मॉडल के बाद की समरी ठीक है इस पॉइंट पे यू कैन सी ट्रेनेबल पैरामीटर्स इतने हैं अब मैंने ट्रेनेबल को फॉल्स कर दिया और अब मैं दोबारा से अगर समरी निकालू तो यू वुड सी कि अब ट्रेनेबल पैरामीटर्स बस इतने हैं जो कि एक्चुअली ये डेंस लेयर्स के हैं ठीक है थीके? ये हमने पूरा का पूरा फॉल्स कर दिया मतलब अब ये नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर बन गया ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये ट्रेन नहीं होगा ठीक है अब आगे है बहुत सिंपल सा कोड ये हमने पहले भी यूज़ किया था बेसिकली हम ये जो फोल्डर्स हैं इनके ऊपर जनरेटर अप्लाई करके सारा का सारा डेटा उठा करके मॉडल में भेजेंगे ठीक है तो ये सारा कोड मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल आप इमेज डेटा सेट फॉम डायरेक्ट्री एक यूटिलिटी है उसको यूज़ कर रहे हो डायरेक्टरी का पाथ बता रहे हो लेबल्स ऑटोमेटिकली इन्फर हो रहे हैं लेबल का मोड जीरो हमारा ट्रेनिंग के लिए, लिए मच और ये हो गया हमारा वैलिडेशन के लिए टेस्टिंग के लिए जैसे आप इस कोड को रन कर रहे हो यू कैन सी फाउंड ट्वेंटी थाउजेंड फाइल्स बिलोंगिंग टू टू क्लासेस ये बात हो रही है ट्रेनिंग डेटा की एंड फाउंड फाइव थाउजेंड belonging बिलोंगिंग टू टू क्लासेस ये बात हो रही है आपके टेस्टिंग डेटा की ठीक है अब एक लास्ट चीज और आ, इमेज को हमारे मॉडल में भेजने के पहले आप एक छोटा सा काम करोगे सारे के सारे पिक्सल वैल्यूज जो जीरो से टू फिफ्टी फाइव तक हैं आप उनको जीरो से वन के बीच में ले आओगे ट्रेनिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है ठीक है तो यही सेम काम किया मैंने ट्रेन डी एस के ऊपर मैंने ये प्रोसेस फंक्शन लगाया जिसका काम है रीस् रीस्केल करना और मैंने वैलिडेशन डीएस के ऊपर भी ये सेम काम लगाया ठीक है उसके बाद का आपको स्टेप पता है मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्टिमाइजर एडम लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और मैट्रिक्स है हमारा एक्यूरेसी और लास्ट में बस हमने मॉडल डॉट फिट कर दिया हमारे ट्रेन डेटासेट के ऊपर ऑन 10 एपॉक्स वैलिडेशन डेटा हमने यहां पे सेंड कर दिया और सब कुछ को हमने लॉग कर दिया हिस्ट्री पैरामीटर पे और जब मैंने इस मॉडल को टेन ई पॉक्स के लिए चलाया तो यू कैन सी आई वॉज एबल टू रीच एन एक्यूरेसी ऑफ इफ यू रिमेंबर तीन चार वीडियोज पहले जब मैंने डॉग कैट क्लासीफायर बनाया था अपने खुद के सी एन एन आर्किटेक्चर पे द हाइस्ट एक्यूरेसी दैट आई वॉज एबल टू रीच वॉज एटी वन परसेंट नाउ आई एम ऑलरेडी एट नाइनटी परसेंट ठीक है इसके बाद मैंने ग्राफ्स प्लॉट किए ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा में और क्लियरली यू कैन सी देर इज अ डिफरेंस यू नो ट्रेनिंग का एक्यूरेसी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है वैलिडेशन का नहीं बढ़ रहा है दिस गैप शोज ओवर फिटिंग और एक्चुअली यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा लास्ट ईपॉक के बाद ट्रेनिंग डेटा के ऊपर एक्यूरेसीज नाइनटी एट पॉइंट थ्री वेयर एज वैलिडेशन के ऊपर एक्यूरेसीज नाइन्टी पॉइंट एट तो दिस इज ओवर फिटिंग ये सेम चीज़ आपको लॉस के कर्व में भी दिख रही है तो फिर मैंने क्या किया मैंने पूरे के पूरे फ्लो में एक छोटा सा चेंज किया हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आई गेस डेटा ऑग्यूमेंटेशन पढ़ा था जहाँ पे आप एक इनपुट इमेज को अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करके नया डेटा क्रिएट करते हो जनरली ओवर रिड्यूस करने के लिए आप डेटा ऑग्यूमेंटेशन यूज़ करते हो सो आई थॉट कि वाई नॉट यूज़ डेटा ऑग्यूमेंटेशन टू रिड्यूज द ओवर ठीक है तो मैंने एक और नोटबुक बनाई है जिसमें अगर आप नोटिस करो तो पूरा का पूरा फ्लो सेम है एकदम यू कैन सी द एंटायर फ्लो इज सेम बस यहां पर आकर के मैंने रादर देन यूजिंग दिस फ्लो इज जनरेटर्स वाला आई हैव डेटा ऑर्गुमेंटेशन ठीक है सो so, यहाँ पे मैंने एक ट्रेन डेटा जेन बनाया है इमेज डेटा जनरेटर का जिसमें मैंने ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए ये मेरा टेस्ट डेटा जेन है जिसमें मैंने सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और ये रहा मेरा ट्रेन जनरेटर ये रहा मेरा वैलिडेशन जनरेटर सब कुछ सिमिलर है बस मैंने पूरे फ्लो में डेटा ऑग्यूमेंटेशन अप्लाई कर दिया ठीक है आगे की चीज़ भी बिल्कुल सेम है यहाँ पर बस मॉडल डॉट फिट के बदले मॉडल डॉट फिट जनरेटर आ गया ये मैंने आपको बताया था डेटा ऑग्यूमेंटेशन वीडियो में और यहाँ पे भी मैंने टेन ई के लिए ट्रेन किया विद अ बैच साइज ऑफ थर्टी या बैच साइज ऑफ थर्टी सब कुछ सिमिलर रखा है ठीक है और यू वुड सी कि जैसे ही मैंने इस मॉडल को ट्रेन किया फ्टर द लास्ट ईपॉक मेरा ट्रेनिंग बट मेरा टेस्ट एक बढ़ गया 91.4 तक चला गया ठीक है यहाँ पे आप कुछ और टेक्निक्स भी करते हो, कर सकते हो लाइक ड्रॉप आउट आप अलग अलग टाइप का वेट इनिस्ट्रेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हो यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट बैच नॉर्मलाइजेशन यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स बट यू कैन सी डेटा ऑग्यूमेंटेशन यूज करने से थोड़ा फायदा हुआ है हमारा एक्यूरेसी ऊपर की तरफ भागा है और ये आपको इस ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है यू कैन सी बहुत कम डिफरेंस है बिटवीन द ब्लू कर्व एंड द रेड कर्व ठीक है एंड सेम विद द लॉस ग्राफ ठीक है अब फाइनली मैंने सोचा कि हमने फीचर एक्सट्रैक्शन तो यूज करके देख लिया वॉट इफ हम सेकेंड अप्रोच यूज करें इफ़ यू रिमेंबर द सेकेंड अप्रोच वॉज फाइन ट्यूनिंग जहां पे आप नॉट ओनली uh, ये सिर्फ डेंस लेयर्स को ट्रेन करते हो आप इनफैक्ट आपके कॉन्वल्यूशन बेस का जो लास्ट या सेकेंड लास्ट तक का जो लेयर्स होता है आप उनको भी रिट्रेन करते हो ठीक है तो इसको फाइन ट्यूनिंग बोला जाता है तो ये जो लास्ट आपका नोटबुक है यहाँ पे मैंने फाइन ट्यूनिंग अप्लाई किया है विदाउट डेटा ऑग्यूमेंटेशन ठीक है तो अगेन कोड लिखा हुआ है आई जस्ट गो थ्रू द कोड शुरू का कोड इज बिल्कुल सेम अगेन कॉन्वल्यूशन बेस को हमने इंपोर्ट किया यहाँ पर मेन चीज है मैंने कॉन्वल्यूशन बेस्ड ट्रेनेबल को ट्रू कर दिया है नॉट फॉल्स और फिर एक लूप चलाया है और मैंने डिटेक्ट किया है जहाँ पे ब्लॉक फाइव ऑनवर्ड्स लेयर्स हैं ब्लॉक फाइव ऑनवर्ड जो भी लेयर्स हैं उन सभी का मैंने सेट ट्रेनेबल ट्रू कर दिया और बाकी सबका फॉल्स कर दिया ठीक है ये चीज़ करने के बाद यू कैन सी कि ये जो सारे लेयर्स हैं जो कि शुरू वाले लेयर्स हैं यहाँ से लेकर के इस जगह तक जो लेयर्स हैं इन सब का मैंने ट्रेनेबल फॉल्स कर रखा है मतलब ये फ्रीज हो चुके हैं बट ये जो लास्ट के चार लेयर्स हैं तीन कॉन्वल्यूशन और एक पूलिंग पूलिंग से उतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वहाँ पे कुछ ट्रेनेबल नहीं है बट ये जो तीनों लेयर्स हैं इनको आप ट्रेन कर सकते हो वाइल्ड ट्रेनिंग ठीक है तो बस यही एक डिफरेंस है उसके बाद बेस का समरी निकालने पर दिस वॉज द समरी आधे से आधे ट्रेनड है आधे नॉन ट्रेनेबल है आगे का कोड भी बिल्कुल सेम है यू कैन सी बिल्कुल सेम सब कुछ बिल्कुल सेम ये वाला कोड बिल्कुल सेम है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और फिर आगे बस नॉर्मलाइज किया जैसा फर्स्ट वाले में किया था उसके बाद मॉडल डॉट कम्पाइल में यहाँ पे एक चीज़ की मैंने कि इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग एडम आई हैव यूज आर एम एस प्रॉप विद अ वेरी लो लर्निंग रेट ठीक है तो ऐसा बोला जाता है कि जब आप फाइन ट्यूनिंग कर रहे हो तो लर्निंग रेट थोड़ा कम रखना चाहिए ठीक है इट्स इट्स अ थिंग जो एक्सपेरिमेंटली लोगों को समझ में आया और मेट्रिक सेम है सेम है यहाँ पे भी मैंने मॉडल डॉट फिट किया फॉर टेन ईपॉक्स एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी मेरा वैलिडेशन एक्यूरेसी रीच्ड 95.2 परसेंट ठीक है विच इज एक्चुअली बिग डील हमने जब अपना सी एन आर्किटेक्चर बनाया था एक्यूरेसी वाज अराउंड 81 परसेंट वहां से आप नाइनटी तक आ गए होल अगर आप ट्रेनिंग की बात करो तो नाइनटी नाइन पॉइंट एट अगेन यू कैन से थोड़ा सा ओवर हो रहा है बट आप डिफरेंट चीजें ट्राई आउट कर सकते हो इस वाले फ्लो में भी यू कैन यूज डेटा ऑग्यूमेंटेशन मे बी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे ठीक है बट ये क्राफ्ट एंड या ये रहे वो दो टेक्निक्स फाइन ट्यूनिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन जिसको यूज करके आप केराज में ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई कर सकते हो ये तीनों नोटबुक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपका काम है एक बार इन सारे नोटबुक्स को चला के देखो और अपने लर्निंग्स को किसी नोटबुक में लिखो कि आपने क्या सीखा ठीक है और हो सके तो आप किसी और डेटा सेट के ऊपर ये सेम चीज़ को अप्लाई करके देखो इट वुड डू वंडर्स फॉर योर लर्निंग ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड आई होप मैं आपको ट्रांसफर लर्निंग समझा पाया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय